स्वर से जिनको प्यार नहीं है वो मूर्ख इंसान नहीं है। आज हम संगीत के उस रहस्य की बात करने वाले हैं जिसके बारे में आज तक आपने किसी से नहीं सुना होगा। आपने बाबा रामदेव जी के मुख से प्राणायाम की महिमा के विषय में सुना होगा कि प्राणायाम से समस्त रोगों के उपचार होते हैं, लेकिन आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि फला राग से फला रोग का उपचार होता है। ये तो आपने सुना है, लेकिन स्वर से कैसे उपचार होता है, तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जब सबसे पहले कोई रोग हमारे शरीर में आता है तो हमारे मन में आता है। स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, इतनी कठिन भाषा का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, बहुत सरल शब्दों में हम जानेंगे कि संगीत से कैसे रोगों का उपचार होता है। कि 22 श्रुतियां हैं, यानी 22 प्रकार की ध्वनियां जो हैं वो सुनने योग्य हैं, लेकिन वैसे स्वर 12 हैं, जिसमें शुद्ध, कोमल और तीव्र, इस प्रकार कुल 12 स्वर बताए गए हैं। लेकिन जो सामान्य इंसान है, आम इंसान है, वो केवल 7 स्वरों के बारे में जानता है, और उन 7 स्वरों की ही बात हम आज के इस वीडियो में करेंगे। वो 7 स्वर आप सब जानते हैं, सा रे ग म प ध नी सा, ये 7 स्वर हैं। और इन 7 स्वरों की जो उत्पत्ति है वो किसी ना किसी पशु या जानवर की या पक्षी की ध्वनि से उत्पन्न हुई है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो ये विषय कठिन होते जाएगा। हमारा बहुत सरल शब्दों में संगीत से कैसे रोगों का उपचार होता है इस विषय पर चर्चा करने का है। सा स्वर का संबंध मूलाधार चक्र से है, रे स्वर का संबंध स्वादिष्ठान चक्र से है, गा स्वर का संबंध मणिपुर चक्र से है, और मा स्वर का संबंध हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र से है, और पा स्वर का संबंध हमारे विशुद्धि चक्र से है, और धा स्वर का संबंध हमारे आज्ञा चक्र से है, और नी स्वर का संबंध हमारे सहस्त्रसार चक्र से है। यानी 7 चक्रों से 7 स्वरों का संबंध है, को हमको समझना होगा। और जैसे आपने संगीत वालों को सुना होगा कि सा की साधना करें, सा को साध लें, सा को साधते ही आपके सारे स्वर सध जाते हैं, इसी प्रकार आप अगर सा स्वर को साध लेते हैं, सा को साध लेते हैं, तो आपके 7 चक्र संतुलित हो जाते हैं। आखिर हम बीमार ही क्यों पड़ते हैं? हम बीमार जब पड़ते हैं जब हमारा कोई ना कोई चक्र असंतुलित हो जाता है, और सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र ही असंतुलित होता है। तो अगर हम सा को साध लें तो हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, और सा के संतुलित होते से ही, मूलाधार चक्र के संतुलित होते से ही हमारे बाकी के चक्र जो है वो संतुलित हो जाएंगे, और हमारा शरीर बिल्कुल फिट अवस्था में आ जाएगा, सारे रोग दूर होने लगेंगे। लेकिन अभी ये विषय बहुत आगे तक जाएगा, हम रागों की बात करेंगे, स्वरों की बात करेंगे, कैसे अलग अलग रागों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर, कौन से राग से कौन सा रोग ठीक होता है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो से लगातार बने रहें, ये चर्चा बहुत ही गंभीर होने वाली। अभी मेरी बात आपको बड़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन आपने खुद महसूस किया होगा कि जब आप दर्द भरे गाने सुनते हैं तो आपका मन जो है वो गमगीन हो जाता है। इसलिए मैं कई लोगों को बार बार सलाह देता हूं कि आप दर्द भरे गाने ना सुना करें। जो लोग दर्द भरे गाने लगातार सुनते रहते हैं उनके जीवन में दर्द ही आ जाता है। थोड़े खुशनुमा गाने सुने, अच्छे गाने सुने, कभी थोड़ा बहुत सुन लिया तो बात अलग, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है दर्द भरे गाने के सिवा कुछ सुनते ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो मन है, जो चित्त जो है, वहीं सबसे पहले बीमारी आएगी। जैसे कि आपको मैं एक दूसरी घटना से बताता हूं, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, जो बाहर ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, या जो उस ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है, जो इस शरीर में है वो ब्रह्मांड में है। जैसा कि आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जब मिट्टी खाई थी और माता यशोदा जी ने कहा था कि अपना मुख खोल कर दिखाओ, तो सारा ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई दिया था। तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो सारा ब्रह्मांड केवल श्री कृष्ण भगवान जी के मुख में था? वो केवल संकेत मात्र दे रहे हैं कि हे जीव, आप ईश्वर के एक अंश हो, जो ईश्वर के पास है वो इस जीव के पास है, बस जीव को उस चीज का ज्ञान नहीं होता है। वो ब्रह्मांड हमारे शरीर में भी मौजूद है, जितने भी तत्व बाहर, सोना, चांदी, लोहा, जितने भी तत्व बाहर हैं, वो सारे तत्व इस शरीर के अंदर भी हैं। जितने विष, सांप कोबरा सांप का विष, या भी जो कोरोना बीमारी आई थी उसका विषाणु हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद था। जितनी भी बीमारियां भविष्य में आएंगी वो सारी बीमारियां हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद हैं, और उन सारी बीमारियों का उपचार भी हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद है। तो इस विषय को समझना पड़ेगा तो आप संगीत की महिमा बड़े आसानी से समझ जाएंगे।
आप वीडियो से लगातार बने रहें, वीडियो बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आप इस विषय से वंचित रह जाएं। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में अलग अलग जगह अलग अलग ग्रंथियां हैं, जैसे हमारे गले के पास थायराइड ग्रंथि है, एक इंसुलिन ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि अगर अनबैलेंस होती है तो हमारा थायराइड नाम का एक रोग हो जाता है। थायराइड अगर बढ़ जाए तो भी रोग हो जाएगा, थायराइड अगर घट जाए तो भी रोग हो जाएगा। जैसे आपने इंसुलिन ग्रंथि के बारे में सुना होगा, अगर इंसुलिन ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो हमको शक्कर की बीमारी यानी डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी, और इंसुलिन अगर कम मात्रा में निकलेगा तो भी शक्कर की बीमारी यानी डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। डायबिटीज ए टाइप और बी टाइप ऐसे कुछ दो प्रकार की होती है कि एक में शक्कर घटती है और एक में शक्कर बढ़ जाती है। यानी हमारा जो इंसुलिन है वो बिल्कुल सही मात्रा में निकलना चाहिए। तो ये अनबैलेंस होता ही क्यों है? ये हमारे मन के प्रभाव से होता है, और मन को कंट्रोल कौन कर सकता है? संगीत कर सकता है। तो म्यूजिक की महिमा को आपको समझना पड़ेगा। तो हम केवल स्वरों की बात कर रहे हैं कि स्वरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप कुछ ना करें, आप एक महीने तक सा लगाकर देखें, जो भी आपका स्केल है सा सा आप सा ही सा दें। मैं भी सा की साधना नहीं कर रहा हूं इसलिए मेरा सा साध नहीं रहा। आप सा साध के देखें एक महीने तक, आपको आपके शरीर में परिवर्तन दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में बहुत परिवर्तन हो रहा है, रोग सारे विदा हो रहे हैं, आपका मन प्रसन्न रह रहा है। तो सा को कुछ दिन साध के देखें आप। इन सातों स्वरों के अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलाने से राग बनता है, और रागों को भी अलग अलग समय पर सुनने से हमारे शरीर में अलग अलग प्रभाव पड़ता है, तो उसको भी हम जानेंगे। लेकिन रागों को जानने के पहले आपको स्वरों को समझना पड़ेगा, क्योंकि स्वर जो है वो सात हैं, सा रे ग म प ध नि सा। और जो सा स्वर जो है और पा स्वर जो है, ये अपनी जगह से हलते नहीं है, यानी इनका कोई दूसरा रूप नहीं है। लेकिन रे, रे स्वर शुद्ध स्वर भी होगा, इसका कोमल स्वर होगा। कोमल स्वर माने रे से जो नीचे की ओर ध्वनि जाएगी वो कोमल स्वर हो जाएगा। रे से नीचे का भी रे होगा वो कोमल रे होगा। गा से गा शुद्ध हो गया, गा से नीचे का जो स्वर होगा वो कोमल गा हो जाएगा। धा से धा शुद्ध होगा, धा से नीचे जो स्वर होगा वो कोमल धा हो जाएगा। नी स्वर शुद्ध हो गया, नी से जो नीचे की ओर जो स्वर जाएगा वो कोमल स्वर हो जाएगा, नी कोमल हो गया। यानी ये चार स्वर जो हैं रे गा धा नी, इनके कोमल स्वर भी होते हैं, यानी नीचे की ओर उतरते हैं। और मा स्वर जो है इसका एक स्वर त्रिव होता है, क्योंकि मा शुद्ध से जो मा त्रिव है ऊपर की ओर चढ़ता है। इस प्रकार ये 12 स्वर हैं। तो आपको 12 स्वर समझ लेना है। स्वर के बाद पर आपको समझना है थाट। ये थोड़ी संगीत की विषय भी चर्चा कर दूं साथ के साथ में, जिससे जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं उनके लिए इससे थोड़ा फायदा हो जाए। उसके बाद आते हैं थाट। थाट जो है वो 10 है। अगर हम सातों स्वरों को शुद्ध रखें तो उससे जो थाट बनेगा वो बनेगा बिलावल थाट। और बिलावल थाट में जो भी गाना बनेगा वो उत्साह बढ़ाने वाले गाना होगा। उस तो बिलावल थाट जिसमें सातों स्वर शुद्ध होंगे, उसके बाद भैरवी जिसमें चार स्वर कोमल होंगे। मैं केवल थाटों के नाम बता देता हूं, क्योंकि जो संगीत में रुचि नहीं रखते उनके लिए ये वीडियो फिर थोड़ा सा बोर लगने लगेगा। बिलावल थाट, कल्याण थाट, भैरव थाट, भैरवी थाट, खमास थाट, काफी थाट, आशावरी थाट, मारवा थाट, पूर्वी थाट और तोड़ी थाट। ऐसे ये 10 थाट हैं, और एक एक थाट से 484 राग उत्पन्न होते हैं, यानी कुल मिलाकर मोटे तौर से 5000 राग हैं। हम 5000 रागों को तो नहीं समझेंगे, हम कुल मिलाकर करीब करीब 50-60 रागों को समझेंगे कि अलग अलग राग का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कुछ रागों को आप जानते होंगे, जैसे शिवरंजनी राग है, दरबारी राग है, भीमपलासी राग है, यमन राग है, तुम्हारा भोपाली राग है, राग केदार है, राग मालकोस है, राग खमाज है, ऐसे बहुत सारे राग हैं, राग देश है। उनका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सा राग किस समय गाना चाहिए। कुछ वीडियो हमारे राग के ऊपर आने वाले हैं, कुछ वीडियो हमारे आला के ऊपर आने वाले हैं, कुछ वीडियो हमारे रामचरितमानस के ऊपर भी चल रहे हैं, कुछ भागवत कथा के ऊपर भी चल रहे हैं, बीच बीच में कॉमेडी भी आती रहती है। हर तरीके का ज्ञान आपको इस चैनल से मिल रहा है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर एक कर दें, क्योंकि अगर जब आप लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है,
और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो एक कमेंट कर दें। तो नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।